स्वर्ण रेखा प्राइवेट आईटीआई में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एंगल यानी कोण के बारे में पढ़े थे और उसी वीडियो में लास्ट में हमने कहा था कि हमारा जो आने वाला वीडियो है उसमें हम लोग ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज यानी तीन भुजाओं से बनी आकृति या फिर तीन सरल रेखाओं से बनी आकृति, कैसा आकृति? एक बंद आकृति। तीन सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अर्थात समतल पर तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि त्रिभुज को आप चाहे जैसा भी त्रिभुज बनाइए, उनके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होगा। और ये विशेषता हर बहुभुज का, त्रिभुज का, चतुर्भुज का, पंचभुज का, षष्ठभुज का, सबका अलग अलग विशेषता है। तो त्रिभुज का विशेषता है कि इनके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम देखेंगे कि त्रिभुज को कैसे हम अलग अलग प्रकार में इसको बांटते हैं। तो दो तरीके से इसको हम लोग बांट सकते हैं, दो आधार पे इसको हम लोग बांट सकते हैं। त्रिभुज का प्रकार दो आधार से मतलब इसको हम बांट सकते हैं। पहला आधार है कोण के आधार पर। अगर कोण के आधार पर हम बात करें तो सबसे पहला प्रकार है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री होगा तो हम बोलेंगे उसको ये एक समकोण त्रिभुज है। चलिए दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों में से प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है। डेफिनेशन ध्यान से सुनिए, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों में से प्रत्येक कोण का मान बिलो 90 डिग्री होता है उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी त्रिभुज है तो तीन कोण होगा, तीन भुजा होगा। इसमें क्या है कि तीनों कोण 90 डिग्री से कम होगा। चलिए अगला प्रकार है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज के तीनों कोण में से एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है, तीनों कोणों में से एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये था त्रिभुज के कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भुजाओं के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी जिसका तीनों भुजा समान हो, और इसी समबाहु त्रिभुज में जिसका तीनों भुजा समान है उसका तीनों कोण भी समान होगा। तो अगर पूछा जाता है समकोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान कितना होता है तो 60 डिग्री होगा, क्योंकि 60 डिग्री करके 3 टाइम्स ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक कोण का मान उसमें 60 डिग्री होगा। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसके तीनों कोण समान हो या तीनों भुजाएं समान हो। चलिए समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा समान हुआ। अगला प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई समान अथवा बराबर होती है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका दो साइड जो है इक्वल रहेगा, आपस में बराबर रहेगा दो भुजा, और बाकी आधार का भुजा जो है उसका वो दोनों से अलग रहेगा।
तो ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसका एक गुण क्या है कि जब दो भुजा समान है तो उसका दो कोण भी समान होगा। चलिए, ये तो हम लोगों का था समद्विबाहु त्रिभुज। और त्रिभुज का अंतिम प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, मतलब कोई भी भुजा समान माप का नहीं हो, तीनों अलग अलग हो, असमान हो, उस त्रिभुज को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसमें क्या है, इसका खास बात यह है कि जब तीन भुजा अलग अलग माप का होगा तो तीनों कोण भी अलग अलग माप का होगा। तो ये था हमारा विषमबाहु त्रिभुज। अब ये छह प्रकार हो गया कुल मिला के त्रिभुज का, और इसको हम लोग जाने, इसका डेफिनेशन को हम लोग जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आप लोगों को त्रिभुजों की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स बताएंगे, व्हाइट बोर्ड पे बताएंगे कि हम, मान लीजिए कोई एक माप दिया हुआ रहेगा और उस माप का बोलेगा समबाहु त्रिभुज का रचना कीजिए, अगर मान लीजिए 40 mm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का रचना कीजिए तो कैसे करना है, या फिर कभी बोलेगा एक ऐसा त्रिभुज का रचना कीजिए जिसका दो भुजा 40 mm का हो और उसके बीच का कोण 40 degrees हो, ऐसा होता है प्रश्न, ऐसे पूछा जाता है। तो ये सभी चीज़ जो है आप लोगों को बताया जाएगा, या फिर ऐसा बोला जाएगा कि एक विषमबाहु त्रिभुज का रचना कीजिए जिसका भुजा 30 mm, 55 mm और 35 mm हो। तो ये सब अलग अलग क्वेश्चन को हल करने का अलग अलग तरीका है, रचना का अलग अलग प्रकार होता है, ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी लॉकडाउन का पालन करते हुए ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, घर से तैयारी कीजिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।